भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अशोक नागर, क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नागर ने कहा कि देश में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए एनजीओ प्रकोष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश में तकरीबन 7,50,000 एनजीओ के संचालकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना हमारे संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। नागर ने जिला संयोजकों को आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने जिलों में कम से कम 25 एनजीओ संगठनों को भाजपा से जोड़ें और उन्हें सम्मानित करने का कार्य करें। कहना चाहता हूँ अपने दोनों अपने सम्मानित महेश उमर जी हमारे क्षेत्र के संयोजक बैठे हैं, हमारे 11 जिलों के संयोजक और सेशन जज हैं। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग अगली बार मीटिंग में रहेंगे। लगभग 210 आपके मंडल हैं, 210 आपके मंडल है, 11 आपके संयोजक है। हर जिले में दो दो सेशन जज हैं। जो नहीं बने हैं उनको बनाइए, जो मंडल संयोजक नहीं बने उनको बनाइए। लगभग गोरखपुर की लगभग 250 लोगों की आपकी टीम है और ये टीम गोरखपुर में गोरखपुर के क्षेत्र में वो कार्य कर सकती है जो सरकार ने भी नहीं किया। मैं दो तीन बातें जरूर आपके बीच में आप लोगों के लिए कैसे आपको कार्य करना है वो बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सरकार की 10 लाख से 25 लाख के लोन देने की योजना है। सर 2.5 लाख रुपए तक की जिन लोगों का अपना मकान नहीं है उनको मकान देने की योजना है। कि किसी भी मोर्चे प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गए होंगे उनका कुछ समझ। एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ, सरकार की जितनी भी कमेटी है लेकिन उस भूमिका में आप आइएगा। सरकार की जितनी भी कमेटी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की कमेटी है, चाहे वो आयुष्मान योजना की कमेटी है, चाहे वो कौशल विकास योजना की कमेटी है, चाहे वो गरीबों को मकान बनाने की योजना की कमेटी है, सम्मानित मंच मेरे जिले का हर उस कमेटी में जो भी डीएम के यहाँ कमेटी बनी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ 11 लोगों की कमेटी बनने जा रही है, वो 11 लोग निर्धारित करेंगे कि किसको गरीब को मकान मिलेगा, किसको आयुष्मान योजना का कार्ड बनेगा। सबके लिए योजना है। अगर नहीं बनी है, अगर किसी गरीब को उसका अधिकार नहीं मिला है तो 11 लोग जिसकी संतुष्टि कर देंगे, अगर वो कानूनी रूप से पात्र है तो उसको उस योजना को लाभ मिलेगा। और उस 11 लोगों की कमेटी में मेरे जिले का जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक उस कमेटी का।